अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट्स है वुड के रिगार्डिंग और साथ ही साथ में आप अपनी इंग्लिश की लेवल इंप्रूव करना चाहते हो, देन बिलीव मी दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू अ लॉट। ये वीडियो जो है ये आपकी बहुत ही मदद करने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप वो स्ट्रक्चर्स देखोगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे और आपकी जो इंग्लिश की लेवल है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो यूज है वुड का वो हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए। ठीक है, अगर पास्ट में आपकी कोई हैबिट है तो उसको दिखाने के लिए आपको वुड का इस्तेमाल करना है। आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब मैं वहां पर था मैं अक्सर समोसे खाया करता था। ठीक है, जब मैं वहां पर था मैं अक्सर समोसे खाया करता था। ठीक है, मैं अक्सर समोसे खाया करता था, ये क्या है? ये यहां पर पास्ट हैबिट है, मीन्स पास्ट में मेरी कोई हैबिट थी। तो इसको दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह बोलेंगे, व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहां पर था मैं अक्सर समोसे खाया करता था। आई वुड ऑफन, ठीक है, आई वुड ऑफन और आई वुड ऑफ्टन ईट पैटी। समोसों को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैटी। व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहां पर था आई वुड ऑफन, अक्सर, अक्सर के लिए हम ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड ऑफन ईट पैटी, मैं अक्सर समोसे खाया करता था। या जब वो 5 साल का था वो अक्सर अपनी नाक में उंगली डाला करता था। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर पास्ट हैबिट है, वो डाला करता था, उसकी हैबिट थी। हम इस तरह बोलेंगे, व्हेन ही वाज 5 years old He would often pick his nose. जब वो 5 साल का था वो अक्सर अपनी नाक में उंगली डाला करता था। ठीक है, कोई पास में हैबिट थी तो उसको दिखाने के लिए हमने वुड का इस्तेमाल किया। ठीक है, या जब हम स्कूल में थे हम अक्सर अपने टीचर्स को परेशान किया करते थे। ठीक है, पास में कोई हैबिट थी, क्या थी? हम अपने टीचर्स को परेशान किया करते थे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे, व्हेन वी वर इन स्कूल वी वुड ऑफन, ठीक है, हम अक्सर, वी वुड ऑफन इरिटेट और बॉदर आवर टीचर्स, हम अक्सर अपने टीचर्स को परेशान किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर पास्ट हैबिट्स के लिए या रूटीन्स के लिए, पास्ट हैबिट मैंने आपको बोला पास्ट में जो कोई आदत थी, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। या रूटीन, ठीक है, रूटीन क्या होता है, जब पास्ट, पास्ट रूटीन, ठीक है, पास्ट रूटीन क्या होता है, जो कोई पास्ट में कंटिन्यूअसली कोई काम हम करते थे, हमारा रूटीन था, हम कंटिन्यूअसली वो काम किया करते थे, उसको दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। टेक एन एग्जांपल, उसे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था मैं स्कूल जाया करता था, मैं 5 क्लासेस अटेंड किया करता था और उसके बाद मैं घर वापस आया करता था, उसके बाद हम खेलने के लिए जाया करते थे। ठीक है, पास्ट में ये कोई रूटीन था, मैं, मेरा ये रूटीन था पास्ट में कि मैं ये चीजें किया करता था। ठीक है, तो इनको दिखाने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। एक तो हैबिट जो मैंने आपको बोला और रूटीन जो हम कंटिन्यूअसली पास्ट में किया करते थे। हम इस तरह बोलेंगे, जब मैं छोटा बच्चा था व्हेन आई वाज अ किड, ठीक है, मैं स्कूल जाया करता था। ठीक है, पास्ट में कोई रूटीन था, मैं वो कंटिन्यूअसली करता था। ठीक है, आई वुड गो टू स्कूल, ठीक है, आई वुड गो टू स्कूल, उसके बाद मैं 5 क्लासेस अटेंड किया करता था, आई वुड अटेंड 5 क्लासेस, ठीक है, उसके बाद हम वापस आया करते थे, आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट वी वुड कम बैक, ठीक है, हम वापस आया करते थे, उसके बाद हम खेलने के लिए चले जाते थे, आफ्टर दैट वी वुड गो फॉर प्लेइंग, हम खेलने के लिए जाया करते थे, या उसके बाद हम क्रिकेट खेला करते थे, देन, ठीक है, उसके बाद, आफ्टर दैट या देन, देन वी वुड प्ले क्रिकेट, उसके बाद हम क्रिकेट खेला करते थे। तो पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए या पास्ट रूटीन्स को दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो यहां पर दूसरा यूज है इसका वो है ऑफर के लिए। जब भी आप ऑफर करना चाहते हो वहां पर आप वुड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वुड का या तो वुड लाइक टू का, जब भी आप ऑफर करना चाहते हो वो आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो खाली वुड से आप करोगे या वुड लाइक टू से आप करोगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब भी ये साउंड प्रोड्यूस होगा, पसंद करोगे या चाहोगे, तब हम वुड लाइक टू का इस्तेमाल करोगे। जब ये दोनों साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे तब हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। आप एक एग्जांपल दीजिए, उसे ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्या आप मुझे ज्वाइन करोगे क्योंकि मैं अकेला हूं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर करने के लिए वुड का इस्तेमाल करेंगे और वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। और इस सेंटेंस में ये दोनों साउंड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो खाली हम वुड से बोलेंगे। हम इस तरह बोलेंगे, क्या मुझे ज्वाइन करोगे, वुड यू ज्वाइन मी, क्योंकि एज
मैं अकेला हूं, आई एम अलोन, या अगर हम इस तरह बोलेंगे क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहोगे या क्या आप मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगे, तो वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी, क्या आप मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगे, एज क्योंकि मैं अकेला हूं, आई एम अलोन, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर और ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह बोलेंगे वुड यू लाइक टू कम अलोंग और वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे या क्या आप मेरे साथ आओगे। ठीक है, ऑफर कर रहे हैं तो वुड और वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप मेरे साथ आओगे, वुड यू कम अलोंग और वुड यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे या क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करोगे या क्या आप हमारे साथ खेलोगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ऑफर कर रहे हैं, तो वुड और वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या आप हमारे साथ खेलोगे, वुड यू प्ले विद अस, ठीक है, क्या आप हमारे साथ खेलोगे या क्या आप हमारे साथ खेलना चाहोगे या क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करोगे, तो वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, ठीक है, या आप क्या लेना पसंद करोगे या आप क्या खाना पसंद करोगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर करने के लिए हम इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमें ये बोलना होगा कि आप क्या लेना पसंद करोगे, तो हम बोलेंगे व्हाट, क्या, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है, आप क्या लेना पसंद करोगे, लेने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। What would you like to have? आप क्या लेना पसंद करोगे, या अगर हमें ये बोलना होगा कि आप क्या खाना पसंद करोगे, तो खाने के लिए हम eat का इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह बोलेंगे what, क्या, ठीक है, क्या क्या के लिए हम what का इस्तेमाल करेंगे। What would you like to eat? आप क्या खाना पसंद करोगे। अब जो नेक्स्ट यूज है would का, वो है रिक्वेस्ट। ठीक है, हम वुड से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप खाली वुड का इस्तेमाल करोगे या आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करोगे। टेक एन एग्जांपल, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्या आप मेहरबानी करके चुप करोगे, क्या आप मेहरबानी करके चुप करोगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह बोलेंगे वुड यू प्लीज बी क्वाइट, Will you please be quiet? क्या आप मेहरबानी करके चुप करोगे या क्या आप ये मेहरबानी करके मेरे लिए उछाओगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप ये मेहरबानी करके मेरे लिए उछाओगे। हम इस तरह बोलेंगे Would you carry this for me please? ठीक है, Would you carry this? Carry होता है उठाना। Would you carry this for me please? क्या आप ये मेहरबानी करके मेरे लिए उछाओगे। ठीक है, अब यही सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर से भी बोल सकते हैं, जो कि है वुड यू माइंड प्लस वी फोर, आई एनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने यहाँ पर यू लिखा है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट इन द सेंस कि मतलब यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, मतलब यहाँ पर यू ही मैंने लिखा है, यहाँ पर आई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, दे ही शी इट, कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये सेंस प्रोड्यूस क्या करेगा, देखिए सेंस क्या प्रोड्यूस होगा, क्या आपको कोई परेशानी या क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जब भी सेंस प्रोड्यूस होगा आपको क्या करना है, आपको वुड यू माइंड, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। देखिए, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं अगर ये आप मेरे लिए उछाओगे। ठीक है, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं या दिक्कत तो नहीं अगर आप ये मेरे लिए उछाओगे। हम इस तरह बोलेंगे Would you mind? ठीक है, Would you mind? और यहां पर carry जो है वो हमें ing form में इस्तेमाल करना है। Would you mind carrying this for me? Would you mind? ठीक है, Would you mind carrying this for me? ठीक है, carrying और उसके बाद object. Would you mind carrying this for me? क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं या क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर ये आप मेरे लिए उछाओगे, या क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आप उसको कल तक ना बोलो। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर आप उसको कल तक ना बोलो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह बोलेंगे वुड यू माइंड, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में है तो नॉट का इस्तेमाल करना है। वुड यू माइंड नॉट टेलिंग हिम अंटिल टुमारो, अंटिल टुमारो का मतलब होता है कल तक। Would you mind? ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं not telling him until tomorrow, क्या अगर आप उसको कल तक ना बोलो, या क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर आप मुझे कल मिलो, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं या परेशान तो नहीं अगर आप मुझे कल मिलो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह बोलेंगे Would you mind? Would you mind meeting me? ठीक है, Would you mind? ठीक है, Would you mind? ठीक है, मिलने को बोलते हैं meet, लेकिन ये हमें ing form में रखना है। Would you mind meeting me tomorrow? ठीक है, Would you mind meeting me tomorrow? क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं या परेशान तो नहीं अगर आप मुझे कल मिलोगे, या क्या उसको कोई परेशानी तो नहीं या क्या उसको कोई दिक्कत तो नहीं मुझे कॉल करने में। ठीक है, तो इसे बोलेंगे, देखिए उसको would, यहां पर यू के बजाय हम ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, Would he mind? क्या उसको कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं।
ठीक है, कॉल यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में आएगा. वुड ही माइंड कॉलिंग मी, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसको परेशान तो नहीं मुझे कॉल करने में. अब जो लास्ट यूज है वुड का वो है टू टेक सजेशंस. ठीक है, हम वुड से सजेशन भी ले सकते हैं, लेकिन क्या हमें इस्तेमाल करना है, वुड इट बी ओके. ठीक है, वुड के साथ हमें इट बी ओके का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमें इफ का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. और ये यहां पर सेंस प्रोड्यूस क्या करेगा, देखिए सेंस यहां पर ये प्रोड्यूस करेगा क्या ये ठीक होगा या क्या ये ठीक रहेगा. जब भी यहां पर सेंस प्रोड्यूस होगा आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है टू टेक सजेशंस लेने के लिए. जैसे कि क्या ये ठीक रहेगा, क्या ये ठीक रहेगा, या क्या ये ठीक होगा अगर मैं वहां पर जाऊं, अगर मैं वहां पर जाऊं, क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैं वहां पर जाऊं. हम क्या कर रहे हैं, हम सजेशन ले रहे हैं, और सेंस क्या आ रहा है ये, तो ये सेंटेंस बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है. ठीक है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं वहां पर जाऊं, क्या ये ठीक रहेगा, वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक रहेगा अगर, इफ मैं वहां पर जाऊं. ठीक है, मैं वहां पर जाऊं, ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोलना है, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. क्या ये ठीक रहेगा, वुड इट बी ओके अगर, इफ मैं वहां पर जाऊं, इफ आई गो देयर. ठीक है, इफ आई और उसके बाद वी वन गो और उसके बाद देयर जो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, या क्या ये ठीक होगा, या क्या ये ठीक होगा, या क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं उसको सब कुछ बोलूं, तो हम इस तरह बोलेंगे, वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा या क्या ये ठीक रहेगा अगर, इफ मैं उसको सब बोलूं, इफ आई टेल हर एवरीथिंग. ठीक है, अगर मैं उसको सब कुछ बोलूं, इफ आई टेल हर एवरीथिंग. या क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं उसको कॉल करूं, क्या ये ठीक रहेगा, वुड इट बी ओके अगर, इफ मैं उसको कॉल करूं, इफ आई कॉल हिम. तो होप आपने यहां पर बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.